केआर के की दोस्त ने भी सलमान खान का साथ दिया और केआर के को कहा कि तुम सलमान खान से माफी मांगो। इस पर केआर के ने क्या जवाब दिया है और कौन है ये दोस्त, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। दरअसल केआर के और सलमान खान के बीच में जितना भी चल रहा है उसमें पहले मिक्का सिंह आए सलमान के सपोर्ट में, आकांक्षा पुरी आई, एक्टर रोहित चौधरी आए और अब बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और केआरके की दोस्त अर्शी खान ने इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है केआरके को बोला कि ये सब बंद कर, मेरा अच्छा दोस्त है वो सलमान साहब, इज समवन आई ऑलवेज लुक अप टू, ही हैज ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी, आई एडमायर हिज शोबिज करियर एंड ऑल द लव एंड कंसर्न ही हैड फॉर मी व्हाइल माय बिग बॉस स्टे। मैंने केआरके को बोला कि तू सलमान खान से माफी मांग ले, लेकिन और इस कॉन्ट्रोवर्सी को आगे मत बढ़ने दे और खुश रहे जिंदगी में, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जितनी भी नेगेटिविटी है उसके दिमाग से निकाल सकूं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी है। मैं सलमान खान को सपोर्ट करती हूं, सलमान साहब को सपोर्ट करती हूं, और लेकिन साथ में मैं इस पूरे इशू से जो है दूर रहना चाहती हूं, मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। मेरे लिए मुझे लगता है कि दोनों ही मैच्योर इनफ हैं इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। इट्स जस्ट दैट इन देयर फाइट अ लॉट अदर विल टेक एडवांटेज एंड मेक मैटर्स वर्स। तो उनका ये कहना है अर्शी का कि इसमें दूसरे लोग एडवांटेज लेकर इस मैटर को और वर्स कर देंगे। केआर के मेरा दोस्त है तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसको बोलूँ कि सलमान खान से माफ़ी मांग, मैंने ये बात उससे कही पर वो सुनने को तैयार नहीं है। तो अब जो है दोनों मैच्योर हैं, सलमान खान भी केआर के भी, दोनों ही अपने आप इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन मैंने जो है उसको समझाने की कोशिश की कि इस नेगेटिविटी को यहीं छोड़ दे। तो एक बात तो तय है कि कई लोग जो है वो सलमान खान के सपोर्ट में आए हैं, कुछ केआरके के सपोर्ट में आए हैं, लेकिन अर्शी जो केआरके की दोस्त है उनका ये कहना है कि मैंने खुद केआरके को बोला कि सलमान खान के साथ जो है तू फोन करके माफी मांग ले, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं।